नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास बातचीत में। उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है, उसके बाद से लगातार प्रयास तेज हो चुके हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा रुख अपनाएगी, क्या ऐसी रणनीति अपनाएगी जिस रणनीति के तहत आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह का समान झटका लगता नजर आएगा। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं बीजेपी को तो झटका लगा ही है, लेकिन अगर आप देखें और गौर करें थोड़ा यूपी के समीकरण पे, तो इस बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का भी जड़ से सूपड़ा साफ होता नजर आया है। जी हां, मायावती ने अपनी पार्टी से बीएसपी से 432 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन एक भी सीट पर अगर आप देखें तो मायावती का प्रत्याशी जीत नहीं दर्ज कर पाया। कहीं ना कहीं वजहों के कारण और कहीं ना कहीं जो वजहें हैं, जो अटकलें हैं, वो इसी प्रकार की बताई जा रही हैं कि मायावती की जो पार्टी थी वो पार्टी की कमान शुरुआत से बतौर एक तरह से नहीं संभाली गई, एक तरीके से नहीं संभाली गई, और इसी के चलते मायावती की जो चुनावी रैलियां रद्द हुई आकाश आनंद के उन तमाम बयानों के बाद, उन तमाम बयानों के चलते मायावती की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली गई। वहीं सवाल और कयास और मुद्दा ये भी उठ रहा है कि मायावती ने इस बार किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। हालांकि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती जो इस बार इस चुनाव में बुरी तरह से हारी है, अब उन्हीं के मुख्य चेहरे, उन्हीं के पूर्व पद अधिकारी, उत्तर अधिकारी आकाश आनंद, उनके भतीजे जो है वो अब चंद्रशेखर आजाद के साथ आने वाले समय में अपना हाथ मिला सकते हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं जिस हिसाब से इस बार चंद्रशेखर आजाद की उत्तर प्रदेश में नगीना की सीट पर बहुमत के साथ जीत हुई है, उस जीत ने कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है, और हलचल तेज होने का कारण यही है कि अब चंद्रशेखर आजाद की जीत है और जीत के साथ तमाम वो नेता, तमाम वो निर्दलीय प्रत्याशी जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे, वो निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो अब आजाद की ओर आ सकते हैं। उसमें एक नाम आकाश आनंद का भी है। हालांकि आकाश आनंद भले ही इस बार किसी राजनीतिक तौर पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के मुख्य चेहरे के रूप में वो सामने आए थे, लेकिन उनका मुख्य चेहरे के रूप में सामने आना भी कहीं ना कहीं मायावती के लिए ही भारी पड़ गया। हालांकि मुद्दा अब ये उठता है कि क्या आकाश आनंद सच में चंद्रशेखर आजाद के साथ आने वाले समय में गठबंधन करते नजर आएंगे, क्या एएसपी में शामिल होते नजर आएंगे, क्योंकि मायावती ने अपनी पार्टी में आकाश आनंद को वो पद नहीं दिया, वो मुख्य चेहरा उनको नहीं बनाया, और अगर उनको मुख्य चेहरा नहीं बनाया गया तो क्या आकाश आनंद अपनी नाराजगी मायावती के प्रति दिखाई देते और झलकाते नजर आएंगे। और वहीं आपको ये भी जानकारी दे दे कि चंद्रशेखर आजाद आज अयोध्या पहुंचे हैं, तो जिस हिसाब से अब वो अपने धर्म का मुद्दा और धर्म के आसपास के जो तमाम वो मुद्दे, जिस हिसाब से अयोध्या में इस बार भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उनको वजह बनाकर अगर चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय में आगे चलते हैं तो आकाश आनंद का रुख जो है वो बदल सकता है। हालांकि अब देखना ये है कि क्या आकाश आनंद आने वाले समय में आजाद की ओर आते नजर आएंगे या नहीं, और अगर आते हैं तो मायावती को आखिर कितना बड़ा झटका लगेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि मायावती यूपी के विधानसभा चुनाव में और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, जो देखिए 2025 में ही है, आखिर इस विधानसभा चुनाव में मायावती की रणनीति क्या रहेगी। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।